Hey guys, namaskar, namaste, pranam. ये smile शायद अब मेरा signature smile बन चुकी है. So, pardon my grammar of English and Hindi. I am also Bengali, so I'm going to be using. I think I am a trilingual. Whatever means. Okay, let me come straight to the point. बात ये है कि आज कोई गाना नहीं है इस वीडियो में. आज आपको जानने मिलेगी गायत्री. गायत्री कौन है, गायत्री कहाँ से है, गायत्री क्या करती है, गायत्री क्या है. ठीक है, पहले तो मैं बता देती हूँ कि गायत्री का मतलब क्या होता है. ओम का मतलब पता है? ओम का सबसे शुद्ध मतलब या फिर सबसे सिंपल मतलब जो है, the simplest meaning of om is it is the start and it is the end. मतलब ये सब चीज़ की इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है उन सब की शुरुआत है और सब चीज़ की एंड है. एंड गायत्री का मतलब मैं बहुत ऑनलाइन रिसर्च करते 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 इस कंक्लूजन में पहुँची हूँ कि गायत्री ये ओम के बीच की जो जर्नी है ये गायत्री है. मतलब ओम अगर शुरुआत और अंत है कि ओम जो होती है उसके बीच जो भी आती है वो सब गायत्री है. प्योरिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन, हैप्पीनेस, सैडनेस, लिटरली एवरीथिंग, नेम इट, इट्स ऑल्सो सपोज टू बी गायत्री. अब दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि गायत्री एक देवी है, गायत्री एक एक्ट्रेस है, गायत्री एक सिंगर है, गायत्री एक स्टूडेंट है, और गायत्री एक बेटी है, बहन है, बहू है कहीं शायद, और सास है. हाउ डू आई नो, है ना, बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, पर मेरे लिए गायत्री मतलब वो है. एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि गायत्री का वो मतलब मैं अचीव कर पाऊँ, मेरे नाम के मतलब मैं अचीव कर पाऊँ. दैट्स माई मोटो. नाउ द थिंग इज दैट मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में सब कुछ कवर हो पाएगा या नहीं. अगर नहीं हो पाएगा तो आई विल ब्रिंग अप अ पार्ट टू. ठीक है, तो ये पार्ट वन समझ के ही चलते हैं अभी के लिए. अभी मैं छत पे हूँ, किसी को छत में आने से मैंने मना कर दिया है. आई एम माई मदर टंग इज़ बंगाली एंड मेरे पापा को बहुत अच्छे से हिंदी आती है. और मैं जहाँ से हूँ, मतलब मेरे स्कूल जहाँ पे था या हाँ था, सो वहाँ पे हिंदी वॉज रियली प्रिवेलेंट. एंड आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल. कॉन्वेंट स्कूल का मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश अच्छे से आ जाए, पर मैं बहुत इंग्लिश मूवीज़ देखती हूँ तो एक्सेंट वहाँ से पिकअप हो गया है एंड हिंदी पिकअप हो गई कम्युनिटी से. इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि ग्रामर अगर गलत हुआ तो भी मुझे टोकने का नहीं, ठीक है. बहुत हिंदी सीरियल भी देखती हूँ, हिंदी मूवीज़ देख नहीं, हिंदी मूवीज़ चलते हैं चलते हैं, कभी कभार अच्छे अच्छे जो आते हैं देख लेती हूँ. इंग्लिश मूवीज़ बहुत देखती हूँ, बंगाली मूवीज़ भी कभी कभार देख लेती हूँ, और सॉन्ग सारे के सारे चले. अच्छे, नो, व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ मी. आई वांट यू टू मेक दिस वीडियो वायरल. इन हिंदी में मैं चाहती हूँ कि आप सब जो ये देख रहे हैं इस वीडियो को वायरल कर दें. इन बंगाली আমি একটু ছোট মেয়ে যে চায় যে এই ভিডিওটা আপনারা ভাইরাল করে দিন, যেন সবাই এই ভিডিওটি দেখে. প্লিজ, সিম্পল রিজন. নাও লেটস গো টু মাই পাস্ট. মাই পাস্ট স্টার ইজ লাইক আজ তক মেরি কোই স্পেসিফিক ঘর নেই হ্যায়, घर हुई नहीं है एक्चुअली. लाइक मैं जब छोटी थी, माई फर्स्ट मेमोरी स्टार्ट फ्रॉम हाउस इन पार्क सर्कस. एंड देन अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरे पिता मिस्टर राजकुमार चैटर्जी इज़ अलाइव.
is alive. You know what that means? I thought he was dead. And that I was told by my mom. Meri mata shri. Ab unka to pata nahi hai title kya hai. Par unka naam hai Kunti. Do baar naam change kiya hai. Pehle Emily tha, uske baad Kunti ban gayi. Chatterjee likhti hai, kabhi kabhar Shaw likhti hai, kabhi kabhar dono likhti hai. Unko khud ke bhi naam ki nahi pata. To mujhe mat poochiye. Ab kya hua? इनको नहीं पता था ये बच्चा पैदा करना है या फिर घर बसाना है या फिर मतलब पैसे कमाने हैं क्या करना है. मेरी मम्मी को नहीं पता था. अब पैदा होने के बाद कैसे परवरिश दी जाती है वो भी नहीं पता था इन्हें. और तो और लाइक दे हैड अ डिफरेंस ऑफ 10 years इन द मैरिज. ठीक है आजकल the year difference, age difference, it doesn't really matter. It doesn't matter. Please, I am totally with it. Don't worry. But you know, अगर आप शादी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कुछ responsibilities शादी या फिर any relationship के साथ साथ आते हैं, right? आते हैं. She did none of that. Secondly, मेरे earliest memories कोई दूसरे घर में होंगे क्यों. मेरे चाइल्डहुड में पापा क्यों नहीं होंगे, है ना, क्यों नहीं होंगे. आई डिडंट हैव अ फादर इन माय चाइल्डहुड टिल क्लास 2. आई वाज टोल्ड दैट माय फादर वाज क्रश्ड इन एन एक्सीडेंट, इन अ टैक्सी एक्सीडेंट. या टैक्सी, ही वाज क्रश्ड इन अ कार एक्सीडेंट व्हिच वाज अ टैक्सी एंड ही वाज डेड, स्पॉट डेड. एंड ये मेरे को मेरे पापा के बारे में पहले बता भी नहीं रही थी. बहुत मतलब पूछने के बाद, बहुत जिद करने के बाद ये बोल रही थी कि नहीं तेरे पापा को तो मतलब तेरे पापा का देहांत हो चुका है रे. अब बोलो ठीक है, तब तो पापा क्या होता है मतलब भी नहीं पता, तो उतना भी ज़्यादा झटका नहीं लगा. पर धीरे धीरे अचानक से क्लास 2 में पापा जिंदा हो गए. कॉल पकड़ा दी, बोली कि तेरे पापा लाइन पे हैं, भाई कॉल पे बात कर ली. ठीक है बात करनी है. तो दीदी अचानक से वी वर सपोज टू मीट. आई एम लुकिंग एट एन नो प्लीज़ आई एम डूइंग अ वीडियो. ओके थैंक यू. Papa आए थे एंड मेरे डॉगी आए थे. They make me smile no matter what. What can I do? Please excuse me for that. So the thing is, I'm taking a little bit of time, right? I'm sorry. जो बात है ये कि अचानक से I'm told to meet a person. I'm meeting a person who is tall, dark and skinny. कैसे कैसे कपड़े पहन के आ गए, दो हाथ में मतलब हाथ में बैग फुल ऑफ चिप्स एंड चॉकलेट्स एवरीथिंग दैट चाइल्ड लाइक्स. एंड आई एम स्टेयरिंग एट हिम कि ये कौन आ गया अभी. अरे सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मतलब लाइक ये कौन आ गया मुझे, मतलब आई एम और स्ट्रक अचानक से ये कौन है. आई एम योर डैड. अच्छा दैट्स अ पार्ट ऑफ अ फैमिली राइट. आई थॉट ऑफ इट दैट वे. आई डिडंट थिंक, आई डिडंट नो व्हाट अ फादर इज, आई डिडंट नो व्हाट अ फादर्स लव इज. सो हाउ इज आई सपोज टू बी एबल टू फील एनी दैट. जैसे होता है ना कि अगर पापा वेकेशन से लौटते हैं बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद पापा को देखते हुए आंखों से आंसू आ जाए, या फिर नहीं यू गो एंड हग हिम डायरेक्टली, जैसे कोई फीलिंग आए कि बहुत दिनों बाद पापा से मिल रही हूँ, कुछ हो रहा है. None of that happened.
I was simply staring at him like an unknown person. Sorry. लेंस पहन के हुए आंखों से पानी निकले भी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. मतलब कैन यू अंडरस्टैंड कि पापा को देख के भी पापा वाली फीलिंग नहीं आई. ये तो बस शुरुआत थी. फिर हम अच्छे दोस्त बने. वो हमको पहली एक छोटी सी नोकिया का जो स्टैंडर्ड फ़ोन होता है, नो कैमरा नथिंग, बस कुछ गेम्स, मैसेजिंग, कॉलिंग, ऐसा छोटा सा इतना सा फ़ोन था वो दिला के दिए. क्लास 2 में, 2 की बच्ची. आई वॉज बॉर्न इन 2002, सो यू कैन अंडरस्टैंड. 2 इज़ अ वेरी कॉमन फिगर इन माई लाइफ. अजीब बात है. तो उसके बाद मम्मी फिर से मिसयूज़ करने लगी. मेरे फ़ोन को ले लेती थी, पापा से झगड़ा करती थी, पापा के बारे में मुझे कहानियाँ सुनाती थी. एंड बेसिकली राइवल पार्टीज हो गए थे. मेरी मम्मी एक साइड में, मेरे पापा एक साइड में. उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि आई हैड अ डैड. एंड ओके, I'll make it short. This video will contain only about short history. Very short history. I'll keep updating you with more. Okay? So because of meri mummy bahut, she's a psychiatric patient. Not official, but all the symptoms are there, but my grandparents don't want to get her treated. They don't want to admit it to her, and because of her tortures during me as a child, जब छोटी थी तब वो जो torture करती थी मुझ पर, उसके वजह से आज मैं ISC नहीं दे पाई. बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 का सारा ईयर बर्बाद हो गया मेरा. मतलब क्लास 11 पढ़ी, क्लास 12 पढ़ी, कुछ भी करके, कोशिश करके बहुत मेहनत किया. रात को रोई भी कि पापा आंसर क्यों नहीं आ रहे, पापा आंसर क्यों नहीं आ रहे. रात को रोती हुई, कभी चीट नहीं किया. मेरे क्लास में बहुत लोग हैं चीटर कॉक्स कही के, बदमाश. गालियां नहीं निकलनी चाहिए उन लोग के लिए, पर अच्छी ट्रीटमेंट नहीं थी स्कूल में मेरी. स्कूल का नाम बता दूं, देखते हैं स्कूल कैसे रिएक्ट करती है उसके ऊपर नाम बताऊंगी मैं. ठीक है, स्कूल का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था. स्कूल ने कुछ नहीं किया. रद्दी टीचर्स रखे स्कूल के स्टूडेंट्स पे. नाम के वास्ते कॉन्वेंट स्कूल में बहुत मॉनिटरिंग होती है. कुछ मॉनिटरिंग नहीं होती.